घर का चूल्हा चौका आना चाहिए। आज जो कुछ भी हो उसमें सृष्टि की फैमिली की कोई गलती नहीं थी। पता नहीं है वो मुझे मिलेगी या नहीं। मैं कॉल करता हूं। सृष्टि आंसर द कॉल। सोचते हो हमारे बारे में अनुराग बाबू? अच्छा चलो, तुम नहीं बोल पाओगे, हम खुद ही बता देते। हम ब्यूटीफुल भी है और बोल्ड भी, और ये आज आप देख भी लिए, है ना? आपको एक बात बताएं, हमारी ना बहुत जमेगी, बता रहे हैं हम आपको। अच्छा चलो, अभी हम सोने जा रहे हैं। वो सोते समय क्या कहते हैं? वो अंग्रेजी शब्द है ना, थक तेरी एक तो ये अंग्रेजी शब्द। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। दादी, हम सब यही बोल दे रहे हैं तो फिर उनको कैसे पता चलेगा? एक काम करते हैं, उनको गुड नाइट वाला फोटो भेजते हैं। हेलो अनुराग जी। हाय सिस्टी। एक बात कहनी थी, कल हमारा मिलना अब ज्यादा जरूरी है। कल 11 बजे रिमझिम ढाबे पर मिलेंगे। श्योर। मतलब है कि हमारी फोटो जो है असर दिखा रही है। चलो अच्छा ही है, डबल गुड नाइट है। विद्वान इले प्रसाद। भगवान पे भरोसा रख, देखना सब काम अच्छे से पूरा होगा। ये विशु कहाँ रह गया? विशु, अरे विशु आया। दादी जल्दी आ, जल्दी आ। इन संभाल के बेटा। अनुराग, इतना जल्दी तैयार होकर कहाँ जा रहे हो? माँ वो कुछ जरूरी काम था, किसी से बहुत जरूरी मिलना था। इतना भी क्या जरूरी है कि नाश्ता भी नहीं किया और चल दिए? पहले कुछ खा लो फिर चले जाओ। पापा, भैया सृष्टि जी से मिलने जा रहे हैं। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है और वैसे भी सुबह सुबह नाश्ता करने की आदत नहीं है ना, तो मैं आके खाता हूँ। भूख नहीं है तो कोनो बात नहीं बेटा, पर बाहर जरूर खा लेना। जी। अरे खड़ा खड़ा मुंह का देख रहा है, जाओ जाओ जल्दी जाओ नहीं तो देर हो जाएगी। जी बाय। भैया भैया मीठा खा के जाइए, काम शुभ होगा। थैंक यू।
कहाँ जा रही है? अपनी सहेली पूनम के यहाँ जा रही है। उसका ब्याह भी तय हो गया है, दोनों सहेलियां बताएंगी और क्या। अब सारा डिटेल जानना जरूरी है का? नहीं नहीं, कोनो जरूरी नहीं है, पर ये सारा डिटेल आपको कैसे पता, ये जानना जरूरी है। हमें कैसे मालूम? हाँ, वो ये फोन पे बतिया रही थी तो हम सुन लिए। लगता है हमारा और इनका आज जिरह जो है जरा लंबा चलेगा। अरे बेटा तुम जाओ, जल्दी जाओ वरना लेट हो जाएगा। जाओ 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 जाओ। क्या खामा खा सवाल करती रहती हैं आप, जाइए काम करिए। अरे का टुकुर टुकुर देख रहे, जाइए काम कीजिए ना। हाँ जाइए जाइए। अनुराग जी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और शायद रिश्ते को अच्छे से निभाना भी जानते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ दो लोगों के बीच साझा नहीं होता। शादी एक ऐसा बंधन है जिसमें नाम के लिए जुड़ते तो बस दो लोग हैं, पर जुड़ाव दो परिवारों का होता है, उनकी सोच का होता है। माफ कीजिएगा, लेकिन कल जिस तरह आपकी माँ हमारे घर वालों से बात कर रही थी, आज के दिन तो बिटिया को साड़ी पहना देते। आजकल तो है नहीं तुम्हारे पास, तो पट्टा ही रख लो माथे पर। आपने जिस तरह निपटाया है ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। बिटिया को कम से कम ढंग का एक साड़ी तो पहना दिया होता। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और हम ये भी मानते हैं कि कोई भी इंसान अपनी माँ की गलती को नहीं मान सकता, तो बेहतर यही होगा कि हम इस रिश्ते की बात को यहीं छोड़ दें। अनुराग का शादी अब उसी लड़की से होगा जिससे उसका छेका हुआ है, और अब ये हमारा निर्णय है। अरे अम्मा, शायद तुम भूल गया, तुम्हारे बाबूजी के जाने और विद्वान के घर संभालने तक इस घर के फैसले हम लेते आए हैं, और हमारे फैसले के बाद कोई लेकिन का गुंजाइश ना तब था और ना आज होगा। आपने मुझे कहा था कि आप लॉ स्टूडेंट हैं। जी। लेकिन आप फैसले बिल्कुल जज की तरह सुनाती हैं। मतलब ये कि कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है, और आपने उसे कंप्लेंट की, ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने अपना फैसला मेरी सफाई सुने बिना सुना दिया। नाउ दैट्स रियली अनफेयर। अनुराग जी, वकीले सफाई की जरूरत इस दुनिया की कचहरी में होती है। ये हमारी जिंदगी का फैसला है, और हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहते जिसकी वजह से हमें आगे जाके पछतावा हो। हम बस यही बताने आए थे, अब जा रहे हैं, ज्यादा देर घर से बाहर रहे तो सबको चिंता होगी। हम चलते हैं। हम तो पहले से कह रहे हैं कि विकराल सिंह जी हमें अपना मानते हैं, हैं? हमें कोनो शिकायत नहीं है उनसे। मुझे शिकायत है माँ, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। उस विकराल सिंह से जितना भी पैसा मिला है ना, उसे ब्याज सहित वापस कर दो। ये बात हमको दोबारा ना बोलना पड़े। बाबूजी, गिने तो नहीं है लेकिन वजन से लग रहा है कि 50,000 जो है ज्यादा ही है। इसको अपने पास रखिए, शादी का खर्चा में काम आएगा।